नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके लिए बहुत सारे ब्रेकिंग लेकर आए हैं जो बहुत जानना आवश्यक है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं एक एक करके बहुत सारी खबरें लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन से जो है कुछ तबलीगी जमात के लोग पकड़े गए, जो मरकज में पाए गए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तबलीगी जमात के लोग ही गुनाहगार? क्या दिल्ली प्रशासन क्या कर रही थी? मरकज बिल्कुल थाने के बगल में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही थी? आईबी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सारा जिम्मेदारी डाल देंगे तबलीगी जमात पर? ये गलत है। और रही बात ये कि मैं उनका कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे धर्मांध लोग जो धर्म के पीछे पागल होते हैं, मानवता के दुश्मन हैं। परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इसको सार्वजनिक करना मीडिया के द्वारा और रोज रोज इसको ट्रेंड चलाना, क्या कुछ गलत नहीं लग रहा है? क्या सार्वजनिक तौर पर एक समुदाय को बदनाम करने की साजिश है? अगर कुछ पकड़े गए तो आप अपनी जांच एजेंसियों के जरिए उनको काबू कर सकते थे। लोगों में डर क्यों फैला रहे हैं? लोग इनसे दूर भागेंगे, कटेंगे। इस तरह से सामाजिक मौत ना दिया जाए। अब रही मेरे पास दूसरी खबर है, 14 अप्रैल को जो लॉकडाउन खत्म होने वाला है, ये सच है, इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। परंतु यह भी उतना ही सच है कि देश में जितने भी हॉट स्पॉट पाए गए हैं, जहां जहां ज़्यादा मरीज पाए गए हैं, वहां सख्ती रखी जाएगी। रेलवे ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी यात्रा को टाल दें, और कुछ दिन तक यह अफरा तफरी बनी रहेगी। ऐसे 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने जा रहा है, इसको बढ़ाने की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों के मन में भी डर है और सरकार भी कह रही है कि एहतियात बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ गांव से वीडियो हमारे पास आ रहे हैं, कुछ लोग आग्रह कर रहे हैं कि मेरी भी हालात आप अपने चैनल पर दिखाएं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़ में तहसील रानीगंज है, वहां पर महिलाएं खड़ी है अपनी जॉब कार्ड को लेकर, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड है, और गांव के जो राशन डीलर हैं वो इनको राशन जॉब कार्ड पे नहीं दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास जितना लिस्ट है राशन कार्ड का, हम उन्हीं लोगों को देंगे। अब इसमें उत्तर प्रदेश प्रशासन से आग्रह है कि जॉब कार्डधारी मजदूरों को कुछ न कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था निकाला जाए, अथवा राशन डीलर से यह कहा जाए कि किसी प्रकार के पहचान अगर है और वो भूखे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनको राशन दिया जाए। कहाँ घर है? आप बताओ, आपको राशन क्यों नहीं मिला? राशन नहीं मिल रहा है। राशन बोल रहे हैं कि पैसा लेके आओ तभी राशन मिलेगा, जॉब कार्ड पे राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको जॉब कार्ड पे राशन नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। आप बताओ, आपको राशन क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ जॉब कार्ड ले जाओ, आप पैसा लिया तब राशन देगा, नहीं राशन ना दिया। तो आप जॉब कार्ड लेके गई थी? लेके गए, नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्या कह रहे हैं? कहें कि पैसा लेके आओ तब देंगे। पैसा लेके आओ तब देंगे। हाँ। आपके पास जॉब कार्ड है तभी भी नहीं दे रहे हैं? नहीं, तब नहीं दिए। ठीक है, आप बताओ, आपको राशन क्यों नहीं दे रहे हैं? लग गए थे, कहें कि आप जॉब कार्ड लेके आओ, राशन फ्री मिले। राशन जॉब कार्ड लेके गए, राशन कहा तहा देखें तो कहें आपका नाम नहीं चढ़ा, आप पैसा लेके आओ, तो आपको पर्ची पैसा लगेगा, राशन मिलेगा। जॉब कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा है? नहीं। आपका जॉब कार्ड बना हुआ तभी भी नाम नहीं चढ़ा, ये किसका काम है? पंचायत मित्र प्रधान। तो आप पंचायत मित्र और प्रधान से नहीं बोले? बोले प्रधान से, कहें जब जमाना है सबका नाम लिस्ट आया है, जेकर जेकर आया उसको मिलेगा। अच्छा, लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नहीं। ठीक है, आप बताओ, आपको राशन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला?
कह रहे हैं जॉब कार्ड लेके आओ, पर्ची लेके आओ तब मिलेगा। गए हुए तो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कह रहे हैं नहीं मिलेगा, पैसा लेके आओ। पैसा लेके आओ, सरकार आपको फ्री में राशन दे रही है तो वो पैसा क्यों क्यों मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि पैसा लेके आओ। अच्छा, हाँ, कहाँ से लेके जावे पैसा? हम ऐसे जाएंगे, कहाँ से लेके जावे? जब कमाने वाला नहीं ना तो कहाँ से देवे हम? ठीक है, आप बताओ आपको राशन क्यों नहीं मिल रहा? राशन कहा था, पर्ची जॉब कार्ड है, कहा जॉब कार्ड लेके आवा। जॉब कार्ड लेके गए तो कहा था कि अब जेकर पैसा खाता पर लगा है आए वही का राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पूरे देश में 1649 एक्टिव कोरोना मरीज पाए गए हैं और संख्या तो ज्यादा बताई जा रही है और लोग ठीक भी हो रहे हैं, जिस संख्या में मिल रहे हैं उससे कम लेकिन ठीक हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि देश में वर्किंग किट भी इजाद कर लिया गया है। सोमवार तक कम से कम 2 लाख वर्किंग किट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एक किट की कीमत मात्र 12 रुपये होगी, जो लोग अपने आप पता कर लेंगे कि उनके पास कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं। इस तरह से कोरोना से अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे लड़ने की ज़रूरत है। कुछ दिन का सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको आप मेंटेन करके रखें। जगह जगह लोगों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर जब खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो यह देखा गया है कोई हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार की धर्म की बातें नहीं है, मानवता के लिए लोग आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है हिंदू समाज या बाकी समाज ही सेवा कर रहा है, मुस्लिम समाज भी बहुत ज़्यादा सेवा में लगे हुए हैं और रोड पर खड़े हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। भाईचारा, भारतीयता दिख रही है, लोग एक दूसरे को जान बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तुले हुए हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक तत्वों के द्वारा जो भेदभाव फैलाए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन तमाम जो है मरीजों से भी कहूँगा कि आपसे लोग डरते हैं, भागते हैं, आप भी पैनिक क्रिएट ना करें। कुछ लोग छुपाते हैं, यहाँ तक आइसोलेशन सेंटर से गायब हो जाते हैं। और मैं उन तमाम लोगों के एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ वायरल वीडियो भी आ रहे हैं, कोरोना सेंटर के सामने मिर्गी का मरीज अपना हाथ पांव पटक रहा है तो लोग उसको कोरोना का मरीज दिखाकर वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये गलत है। और आम मरीज भी कोरोना डॉक्टर से कहते हैं, जो कि स्पेशल कोरोना के लिए है, आप मेरा इलाज कीजिए, वो मना कर जाते हैं कि मेरा काम है केवल कोरोना पेशेंट के लिए। तो आप यह ना दिखाने की कोशिश करें कि डॉक्टर भाग रहे हैं मरीजों से या डॉक्टर देखना नहीं चाहते। सभी डॉक्टर लगे हुए हैं। ऐसे आपने सुना होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने, जो डॉक्टर, नर्सें, जो भी सेवादार हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, बाहर के सेवादार हैं, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होगा तो वो उसको सरकारी कर्मचारी के तहत उसको मुआवजा देंगे, यहां तक कि करोड़ तक का भी मुआवजे का ऐलान कर दिया। और यह हरियाणा सरकार ने भी ऐसा किया है। हर सरकार यथासंभव सब कुछ करना चाहती है, बस आपके सहायता की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। संकट की घड़ी में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और जाति धर्म नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर इन मजदूरों को, इन गरीबों का हाथ पकड़ लेंगे तो कोरोना से जीत जाएंगे। यह कोई बड़ा महामारी अब नहीं है, समझ में आ चुकी है स्वास्थ्य विभाग को, और इससे हम निजात पा सकते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।